तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 10 चीज़ें जो हर एक म्यूजिशियन के पास होनी चाहिए और मैं उसको एक करेक्ट ऑर्डर में आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से वीडियो देखना क्योंकि जो मेरा लास्ट 10 साल का एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मैंने वीडियो को बनाया है कि किस ऑर्डर में आप चीज़ें ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है DAW। DAW क्या होता है? डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, यानी जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे रिकॉर्डिंग करने के लिए। वो FL स्टूडियो हो सकता है, क्यूबेस हो सकता है, लॉजिक हो सकता है, एबल्टन हो सकता है, जो भी आपको पसंद हो। इस चैनल पर हम लोग जनरली FL स्टूडियो की बात करते हैं और एबल्टन की बात करते हैं, तो उनमें से अगर आप दो चूज़ करना चाहते हो और वीडियोज़ हमारी देखना चाहते हो तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप जाकर अपना पूरा डॉ अच्छे से सीख सकते हो, बस आपको हमारी वीडियोज़ देखनी है। तो ये सेकंड चीज़, ये तो भाई मतलब अगर ये नहीं होगी तो आप कैसे ही प्रोड्यूस करोगे या कैसे ही अपने आप को सुनोगे, विच इज़ हेडफोन्स। तो आपको चाहिए हेडफोन्स। अगर आप एक अच्छे हेडफोन में इन्वेस्ट कर लेते हो, अच्छा हेडफोन से मेरा मतलब है जब भी आप नेट पे जाओगे आपको लिखना है मॉनिटरिंग हेडफोन्स। व्हाट इज़ मॉनिटरिंग हेडफोन्स? जो ये इस टाइप के जो हेडफोन्स होते हैं मॉनिटरिंग वाले, इसमें जो आप गाना सुनते हो थोड़ा फ्लैट साउंड करता है, यानी बेस भी थोड़ी क्लीन साउंड करती है, ज़्यादा ऐसा ज़्यादा बढ़कर नहीं आती है, ज़्यादा कम नहीं आती, और सेम आपके मिड्स, वोकल्स, हाई सब कुछ एक बराबर साउंड करते हैं। तो अगर आपने एक मॉनिटरिंग हेडफोन्स में गाना अच्छे से मिक्स कर लिया, बना लिया, तो जब वो गाना बाहर आप रिलीज़ करोगे तो चाहे वो कोई कार में सुने चाहे कहीं भी सुने, वो अच्छा साउंड करेगा, वो बढ़िया साउंड करेगा। इसीलिए हमें मॉनिटरिंग हेडफोन यूज़ करने चाहिए, ना कि रेगुलर हेडफोन्स लाइक कोई भी एक नॉर्मल कंपनी के, सोनी के, फिलिप्स के, बोट के, किसी के। आपको एक मॉनिटरिंग हेडफोन की तरफ जाना चाहिए। मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप कभी भी एक हेडफोन ले रहे हो तो 10-12 हज़ार तक का अगर आप ले सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। लाइक ऑडियो टेक्निका M50X, बेयर डायनेमिक्स का DT770 990, या फिर थोड़ा बजट कम है तो ऑडियो टेक्निका का M20 M30X। पर कोशिश करो कि एक मॉनिटरिंग हेडफोन्स एक बार इन्वेस्ट कर लो, बिकॉज जो भी आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे ये कम से कम 5 से 6 साल आराम से आपके साथ चलेगी, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसमें इन्वेस्ट करने से कतराना मत, तो एक बढ़िया हेडफोन ज़रूर लेना। तो गाइस अब डॉ भी है, हेडफोन भी है, तभी सुन पाएंगे अच्छे से। बट अगर आपको अब आगे माइक कनेक्ट करना है, आगे स्पीकर्स लेने हैं, तो आपको एक और चीज़ चाहिए होगी जो कि है ऑडियो इंटरफेस। तो ऑडियो इंटरफेस को इस तरीके समझ लो कि ये आपका एक ऑडियो इंटरफेस है, इसी में आपके स्पीकर्स लगेंगे, इसमें आपका लैपटॉप लग जाएगा, इसी में आप अपना माइक लगाओगे, इसी में आप हेडफोन भी लगा सकते हो। तो इसको हम साउंड कार्ड भी बोल सकते हैं। साउंड कार्ड क्या करता है, जैसे आप अपने लैपटॉप में माइक लगाने का ऑप्शन होता है या अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करने का ऑप्शन होता है, इसमें सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो इससे स्पीकर्स भी लग जाते हैं, आपका लैपटॉप भी कनेक्ट हो जाता है, आपके माइक्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, और आपका हेडफोन भी कनेक्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको एक ऑडियो इंटरफेस लगेगा। इसमें जनरली आपको इस तरीके से दिखेगा 2i2 या सोलो या फिर 4i4, 16i16। इसका मतलब क्या होता है, आई इज़ इनपुट एंड उसके बाद आपने अगर ओ देखोगे तो दैट इज़ आउटपुट। तो 2i2 अगर लिखा है और ओ नहीं भी लिखा पीछे, मतलब 2 इनपुट 2 आउटपुट, यानी कि आप 2 माइक लगा सकते हो और 2 आउटपुट निकाल सकते हो। 2 आउटपुट क्या है कि लेफ्ट और राइट स्पीकर। तो अगर आपको 2 स्पीकर लगाने हैं तो आपको 4 आउटपुट वाला चाहिए होगा। आपको 4 माइक लगाने हैं, 5 माइक लगाने हैं, तो आपको 4 इनपुट, 16 इनपुट, 15 इनपुट इस तरीके से चाहिए होंगे। तो पर मुझे लगता है आप ये वीडियो देख रहे हो और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को एक 2i2 सोलो इस तरीके के इंटरफेस लेने चाहिए। तो फोकस राइट एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऑडियंट एक काफ़ी अच्छी कंपनी है। पर्सनली ऑडियंट ID4 हमने बहुत यूज़ करा है, फोकस राइट हमने बहुत यूज़ करा है, आप ये चेक कर सकते हो। लूट कंट्रोल आता है थोड़ा और एक्सपेंसिव, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो आप बहुत सारे इंटरफेस आते हैं, उनको चेक कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। जनरली इंटरफेस 10,000 से शुरू होते हैं एंड फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक कहीं भी जा सकते हो। तो आपको एक अच्छा इंटरफेस लेना है तो अगेन एक 10,000 to 15,000 इज़ अ गुड रेंज टू बाय अ स्टार्टिंग के लिए इंटरफेस। एंड अगेन ये इंटरफेस आपके आराम से 3 से 5 साल बहुत प्यार से चल जाएंगे। तो ज़रूर इनमें सही से इन्वेस्ट करें क्योंकि यही है जो आपके पूरे स्टूडियो का एक तरीके से हार्ट है, जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी। ऑल राइट गाइस, तो हम सिस्टम में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें फोर्थ चीज़ क्या चाहिए, माइक्रोफोन। तो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप अभी के लिए स्किप कर सकते हो, बट अगर आप एक सिंगर हो, एक रैपर हो और आप प्रोडक्शन भी करते हो साथ में, या फिर नहीं भी करते, आपको स्टूडियो अपना बनाना रिकॉर्डिंग का, तो आपको माइक चाहिए होगा। तो एक अच्छा माइक लेने से क्या होता है कि देखो आपको बिल्कुल एक हाईएस्ट क्वालिटी मिलती है। 2 टाइप के माइक आते हैं अगेन, डायनामिक और कंडेंसर। मैं नीचे लिंक भी कर दूंगा हमारी एक वीडियो जिसमें हमने डायनामिक और कंडेंसर को बताया डिफरेंस। बट अगर आपको एक स्टूडियो बनाना है तो आप उसमें कंडेंसर माइक्रोफोन रखोगे तो आपको हाईएस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो कंडेंसर माइक्रोफोन आपके एनीवेयर फ्रॉम 5-6,000 से लेके अगेन 5-6 लाख तक के आ जाते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा माइक्रोफोन लेना है तो हमने एक लिस्ट बना रखी है, उसको जाकर चेक कर लो, आपको एक बेस्ट माइक्रोफोन मिल जाएगा। तो गाइस जो फिफ्थ हमारी चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है वो है स्टूडियो मॉनिटर्स। तो स्टूडियो मॉनिटर्स क्या होते हैं, स्पीकर्स। अब ये नॉर्मल स्पीकर से अलग होते हैं, जैसे हेडफोन्स होते हैं, ये भी मॉनिटरिंग स्पीकर्स होते हैं। बेसिकली ये थोड़े फ्लैट होते हैं, फ्लैट मतलब यहाँ पे लोज भी नॉर्मल होते हैं, यानी आपकी किक, बेस, ये सब चीज़ें भी आपको नॉर्मल सुनाई देती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं सुनाई देती। आपको मिड्स यानी आपके जो वोकल होंगे, गिटार्स होंगे, वो भी आपको सही सुनाई देते हैं। वहीं पे आपके जो हाईज होंगे, हाई हैट्स होंगे, घुंघरू वाली साउंड, ये सब चीज़ें पतली पतली साउंड होती हैं, वो भी आपको बिल्कुल क्लीन सुनाई देंगी।
तो अगर आप यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हो तो वो बाकी लोगों के स्पीकर पे अच्छे से सुनाई देता है, गाड़ी में और हर जगह पे। पर अगर आप सोचो कि आप एक नॉर्मल स्पीकर खरीद लेते हो, तो नॉर्मल स्पीकर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि उनमें बेस थोड़ी ज़्यादा बूमी होती है, ज़्यादा होती है, तो या फिर उसमें हाई थोड़े ज़्यादा होते हैं, मिड कभी कभी ज़्यादा होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, आपको लाउड बेस मिल रही है, आप कहते हो कि मज़ा आ रहा है बेस सुनने में, बट वो अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप उस पर प्रोडक्शन करोगे तो क्या होगा, आप उसके हिसाब से प्रोडक्शन कर दोगे, बट वो पर्टिकुलर कंपनी ने अपने हिसाब से उसको बना रखा है। मान लो आपने JBL के स्पीकर ले लिए एक नॉर्मल वाले, और आपने कल को फिलिप्स के स्पीकर्स पे चला दिया या किसी सोनी के स्पीकर्स पे चला दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, वो अलग ही साउंड करेंगे कि अरे उस पे तो बेस ज़्यादा थी, मैंने तो उस हिसाब से कर दिया, अब दूसरे स्पीकर पे चला रहा हूँ वहाँ तो बहुत ही कम सुनाई दे रही है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा हो गई। तो ये कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए हम मॉनिटरिंग हेडफोन्स पे अपना गाने को मिक्स करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे अच्छे से मिक्स और प्रोड्यूस कर लिया तो चांसेस आर कि वो बाकी जगह पे भी अच्छा साउंड करेगा। ऑल राइट, तो अब आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो बेसिक स्टूडियो के लिए आपको चाहिए होती हैं, बट जो आपके पास नहीं है दैट इज़ प्लगइन्स। प्लगइन्स क्या होती हैं, आपको पियानो की साउंड चाहिए, आपको गिटार की साउंड चाहिए, तो आप हर एक चीज़ खरीद के नहीं लाओगे, आप वो डॉ के अंदर ही डाल सकते हो। तो आप ये नहीं आप पूरा एक नया ग्रैंड पियानो खरीद के लाओगे, फिर पियानोज भी बहुत सारे टाइप आते हैं, अपराइट पियानो ये सब पियानो, तो आपको होगा कि यार अब मैं क्या हर एक पियानो खरीदूंगा, तो आप प्लगइन खरीदते हो उसकी जगह। तो प्लगइन क्या करते हैं, प्लगइन वाली कंपनियां उसको जाकर एक बढ़िया से ग्रैंड पियानो पे उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, एक अपराइट पियानो को रिकॉर्ड कर लेंगे, रोड्स को रिकॉर्ड कर लेंगे, बेस्ट गिटार्स को रिकॉर्ड कर लेंगी, और उनको एक प्लगइन के अंदर कन्वर्ट कर देंगी, जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर के अंदर म्यूज़िक बनाओगे और आपको एक बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगी ये उस सॉफ्टवेयर के अंदर। बिकॉज बहुत सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, पिछले 10 साल से सिर्फ पियानो बना रही हैं, कोई कंपनी सिर्फ गिटार पे काम कर रही है, तो वो आपको हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ गिटार दे देती है आपके कंप्यूटर के अंदर ही। तो आप प्लगइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप एक गिटारिस्ट हो, आपको ज़्यादा गिटार की प्लगइन्स पसंद है, तो आप बहुत सारी गिटार की प्लगइन्स चेक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट्स की बहुत सारी अच्छी लाइब्रेरी आती है जहाँ पे आपको गिटार मिल जाता है, एम्पल गिटार करके एक बहुत अच्छी है। वहीं पे अगर आपको पियानो चाहिए तो आपने सुना होगा एक प्लगइन आती है ओमनिस्फेयर, तो जो स्पेक्ट्रासोनिक्स है उनका एक और प्लगइन आता है की स्पेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ पियानो के लिए, जिसमें आपको 100 GB के पियानो मिलते हैं। तो मतलब आप सी नोट प्ले करोगे तो चाहे तो आप एक ग्रैंड पियानो पे प्ले कर सकते हो जो करोड़ों का है, आप रोड्स पे प्ले कर सकते हो, आप कोई और ईयर का कोई ग्रैंड पियानो, अपराइट पियानो है, कोई क्लासिक पियानो है, हर एक पे आप उसको प्ले कर सकते हो। तो इट्स बेटर प्लगइन्स डालो, बट सोच समझ कर, जो आपको नेसेसरी है वही डालो। तो गाइज ये थोड़ा सा कभी एडवांस एक प्रोड्यूसर के लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, अभी आपको ना लगे, बट आप देखना किसी भी प्रोड्यूसर से पूछोगे जो पिछले 5-6 साल से प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपको हमेशा ही कहेगा मेरे यार इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे वो उड़ गए, वो डिलीट हो गए, वो खो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या तो आप एक अच्छी हार्ड डिस्क खरीद लो, उसमें रख लो, एक अच्छी SSD खरीद लो, वैसे अच्छी अच्छी का मतलब क्या है, बढ़िया कंपनी की, ऐसा नहीं आपने कोई भी लोकल से ले ली, आपने जो नोन कंपनी है उनकी लिए, क्योंकि वो जनरली इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, वो भी कई बार ख़राब हो जाती है, मेरे साथ हुआ है, मेरा इतना बढ़िया डेटा, इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं वो सब उड़ गई। तो आपको ध्यान रखना है, या तो आप एक अच्छी हार्ड डिस्क SSD में इन्वेस्ट करो, SSDs आर मोर फास्टर, तो आप SSDs पे जा सकते हो, या फिर आप गूगल ड्राइव ले सकते हो, बहुत सारी और भी ड्राइव आती हैं, क्लाउड स्टोरेज आती है, आप उस पर रख सकते हो, क्योंकि वो ख़राब भी नहीं होंगी, पर उन पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है, मोर और लेस दोनों सेम ही पड़ जाती हैं अगर आप चेक करोगे तो। मेरा ये जो है ना चीज़ बताने का कि भाई स्टोरेज खरीदो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्सनल लेवल पे, वही मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 10 साल का एक्सपीरियंस उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, और ये हमारे साथ ही नहीं, आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा, तो इस चीज़ पे ध्यान देना ज़रूर। आप लोग एक अच्छी स्टोरेज खरीदना, उसमें सिस्टम से उसको बनाना कि हर ईयरली या फिर हर मंथली आप उसमें सेव कर रहे हो चीज़ों को बार बार, या हर वीकली कर रहे हो, कई लोग तो हर डेली भी करते हैं, या फिर आप उसको सिंक भी कर सकते हो क्लाउड को। तो आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर ये डे वन से करोगे या फिर एक आप इंटरमीडिएट लेवल पे तब से करोगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, कि आप कल को जाकर अपने पुराने 3 साल पुराने प्रोजेक्ट चेक करना चाहते हो तो वो क्लाउड पे पड़े हैं, वो आपके SSDs में पड़े हुए हैं। तो इसको एक सिस्टम बनाओ, एक ऑर्डर बनाओ उसका, और उसमें इसको सेव करो, तो बहुत आपको हेल्प होगी। तो गाइस जो 8th चीज़ है, अगेन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हमेशा उसकी बात करी है, वो है अकूस्टिक ट्रीटमेंट। आपने कितने भी अच्छे इक्विपमेंट ले लिया, माइक ले लिया, अच्छा इंटरफेस ले लिया, अच्छा आपने स्पीकर्स ले लिए, सब कुछ ले लिया, पर अगेन आवाज़ गूंज रही है, अजीब सी रेजोनेंस आ रही है रूम में, आप कभी भी उसमें अच्छा मिक्स नहीं निकाल पाओगे, कभी भी अच्छी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। तो मेरा हमेशा ये है कि अगर मान लो आप 1 लाख रुपये के स्पीकर ले रहे हो तो आप 30,000 के एटलीस्ट अकूस्टिक करो, वैसे तो आप 2 लाख के अकूस्टिक करो, 1 लाख के स्पीकर लो, ये होना चाहिए कि डबल चीज़ अकूस्टिक करो, एंड आप चाहे स्पीकर सस्ते ले लो, बट मोस्टली हम लोग हार्डवेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा यही आपको सजेशन होगा कि 30-40% मनी जो आप हार्डवेयर में डाल रहे हो
उतना उसका कम से कम आपको अकूस्टिक में भी डालना था, यानी कि आपके 50,000 के स्पीकर हैं तो एक 10-20,000 के अकूस्टिक भी साथ साथ आप उसमें कर दो, तभी आपको अच्छे आउटपुट मिलेगा। वरना आप देखोगे आपके स्पीकर अच्छे नहीं बजेंगे, आप क्योंकि मैंने ले लिए बट अभी भी रिजल्ट नहीं आ रहे। तो अच्छे अकूस्टिक गोज़ अ लॉन्ग वे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, तो प्लीज़ अकूस्टिक में ज़रूर इन्वेस्ट करो। तो गाइज जो 9th पॉइंट है उस पर गाली पड़ेगी बहुत लोगों से कि हमने बहुत बार बोला कि डोंट यूज़ मिडी कीबोर्ड और ये सब। देखो मिडी कीबोर्ड अगेन इंपॉर्टेंट है अगर आप एक पियानो प्लेयर हो, इसलिए मैंने इसको पीछे रखा है ऑर्डर में, क्योंकि मैं नहीं हूँ। और मैंने आपको बोला मैं मेरा ऑर्डर है जो मैंने लास्ट 10 साल में, मुझे लगता है कि सिस्टमेटिकली आप अगर चल रहे हो तो आपको लेना चाहिए। और इतने सारे म्यूजिशियन से मिलेगा, मोर देन 1,00,000 लोग हो आप लोग, तो उसमें मतलब हमें यही समझ आएगी बहुत लोगों को इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता, हमें भी नहीं आता, तो हमारे लिए मिडी कीबोर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैंने देखा जिन लोगों को, जिन दोस्तों को मैं जानता हूँ जिनके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है, या उनके पास वो काम कर लेते हैं उसके बिना भी, और जिन्होंने ले रखा और उन्होंने कोई मतलब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हमारी तरह, और उनको मतलब कोई पियानो और कोई गिटार ऐसा कुछ नहीं आता, और मिडी कीबोर्ड खरीद के रख लिया कि शौक शौक में, वो मिडी कीबोर्ड उनके मिट्टी खा रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ वो, तो मिडी कीबोर्ड आप लो अगर आपका मन है, आप पियानो सीखने वाले हो आगे, या फिर आप ऑलरेडी आपको आता है प्ले करना पियानो, तब तो आपके पास डेफिनेटली ये नंबर में आगे आ जाता है, आपको सेकंड थर्ड नंबर पे इसको रखना चाहिए और आपको मिडी कीबोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इट रियली हेल्प्स। आप रियली आप इजीली बहुत जल्दी जल्दी मेलोडीज़ बना पाओगे, कॉर्ड्स बना पाओगे, आप चेक कर पाओगे सैम्पल्स को, तो काफ़ी हेल्पफुल होता है मिडी कीबोर्ड अगर आपको प्ले करना आता है। तो डू इन्वेस्ट इन इट, अगर आप प्ले करते हो तो बिल्कुल करो, अगर आप नहीं करते तो ये थोड़ा सा आपकी इन्वेस्टमेंट में पीछे आ जाता है। बट अगर आप एक टाइम बाद इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुके हो, आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले ली हैं, तो मिडी कीबोर्ड आप पियानो नहीं भी प्ले करते तो भी कहीं ना कहीं आप उसको सैंपल प्ले करने के लिए या इवन नया पियानो को इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर खरीद सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो लोग कहेंगे कि ये तो तुमने बताया नहीं, प्लगइन्स बता दी, सब कुछ बता दिया, सैंपल पैक्स लेना मतलब साउंड लाइब्रेरीज लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो स्प्लाइस की, बहुत बढ़िया। स्प्लाइस क्या है कि वहाँ पे आपको सारे सैंपल पैक्स अलग अलग कंपनियों के एक ही जगह पे मिल जाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हो, और भी आजकल बहुत सारे आ गए हैं उनको चेक कर सकते हो। तो आप सैंपल अगर अच्छे नहीं यूज़ करोगे आपका गाना अच्छा साउंड नहीं करेगा। तो राइट साउंड सिलेक्शन करने के लिए राइट सैंपल पैक कंपनियाँ भी चेक करनी ज़रूरी है। तो स्प्लाइस को चेक करो, साइमेटिक्स है, ऐसे बहुत सारी अलग अलग कंपनियों को जाकर चेक करो, और अपने जॉनर के हिसाब से सिलेक्ट करो। लाइक अगर आजकल एक नया जॉनर आमा पियानो, तो आपको आमा पियानो देखना है, आपको एफ्रो पसंद है एफ्रो देखना, आपको हिप हॉप में ट्रैप पसंद है तो ट्रैप के सैंपल पैक यूज़ करने हैं। और यही 10 चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे, और मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, तो ज़रूर इनको चेक करो गाइस। एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और आपको एक गाइडेंस मिली होगी क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। एंड मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में। बाय।